माय सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़े थे। आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, इसमें एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप पढ़े हमने, जिसमें से 5 कंप्लीट हो चुके थे, है ना, रिंग, टॉटोमर छोड़कर के, फंक्शनल मेटामर, चेन और पोजीशन आइसोमर। याद हो आपको, मैंने उसका एक ट्रिक्स बताया था कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसा करना है आपको, RTFMCP, ठीक है ना, R फॉर रिंग, T टॉटोमर, F फंक्शनल, M मेटामर, C चेन और P पोजीशन। तो इसमें हमने डिटेल पढ़े थे और उसके मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे कि टॉटोमेरिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था और इसके दूसरे नाम कौन कौन से है, एक ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम कि कौन से कंपाउंड टॉटोमर शो कर सकते हैं और कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे, क्या उसके लिए कंडीशंस है। और फिर लास्ट में नीट में, आईआईटी में, ठीक है, उसके बाद में और अदर कॉम्पिटेटिव लेवल में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए थे, है ना, वो सारे क्वेश्चन में पूरा डिटेल टॉपिक समझाने के बाद में सॉल्व करूंगा आपको, ठीक है। तो समझ लो आप, देखिए टॉटोमेरिज्म, इसका सेकंड नेम है डायनामिक आइसोमेरिज्म, थर्ड नेम है इसका डेस्मोट्रॉफिज्म, फोर्थ नेम है इसका कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ एलिलोट्रॉपिज्म, सिक्स नेम है इसका क्रिप्टो ट्रॉपिज्म। देखिए इसके नाम कौन कौन से आता है, नेक्स्ट, है ना, फर्स्ट नेम है इसका टॉटोमेरिज्म, सेकंड नेम है डायनामिक आइसोमेरिज्म, थर्ड है डेस्मोट्रॉफिज्म, फोर्थ है कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है एलिलोट्रॉपिज्म और सिक्स नेम है इसका क्रिप्टोट्रॉपिज्म। तो टॉटोमेरिज्म, इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, देखिए आप, लार ने, LRR लार, और कब, 1885 में, याद रखना। टॉटोमेरिज्म इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, टॉटोमेरिज्म इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टॉटो मीन्स सेम एंड मेरस मीन्स पार्ट्स। तो टॉटोमेरिज्म का मीनिंग क्या हो रहा, सेम पार्ट्स। सेकंड नेम लिखे हमने यहां पर डायनामिक आइसोमेरिज्म, थर्ड नेम है इसका डेस्मोट्रॉफिज्म, फोर्थ है कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ एलिलोट्रॉफिज्म, सिक्स क्रिप्टोट्रॉफिज्म। अब देखिए आप, डेस्मोट्रॉफिज्म ये शब्द कैसा बना, डेस्मो इसका मीनिंग होगा बॉन्ड और ट्रॉफिज्म प्रोपोस मीन्स टर्न, है ना। तो यहां पर हमारे को क्या टर्न करना है, बॉन्ड को टर्न करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप, टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमेरिज्म के लिए फिक्स सेंटेंस रहता, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, दो अलग अलग स्ट्रक्चर बताएगा, ऑफ मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम,
ठीक है, देखिए आप इसका डेफिनेशन, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप इसको, टॉटोमेरिज्म। देखिए द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ, ऑसिलेशन देखिए ऑसिलेशन का मीनिंग होगा टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो ये होगा वन से थर्ड एटम पर ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अब यहां पर मोनोवेलेंट एटम यूज करेंगे हम हाइड्रोजन जो केटायन के फॉर्म में रहेगा, मींस हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम। अब यहां पर ऑसिलेशन किसके बीच में होगा, बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम के, ठीक है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लो, डेफिनेशन देख लो आप, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम आर कॉल्ड एज आइसोमर, आर कॉल्ड एज टॉटोमर एंड दिस फेनोमेनन आर नोन एज टॉटोमेरिज्म। और ये पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम टॉटोमेरिज्म, ठीक है, नोट किया आपने पॉज करके। देखिए यहां पर जो मैंने आपको एक एक शब्द लिखा है, देखिए टॉटो मीन सेम, मेरज मीन पार्ट्स, यहां पर डेस्मो मीन बॉन्ड और ट्रोपोस मीन टर्न, बॉन्ड को कैसे टर्न करना। तो पहले आप इसके लिए कंडीशन याद रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला है टॉटोमर्स निकालने के लिए, सिंपल टेक्निक। देखिए आप पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से पूरा डिटेल देखना, तब जाकर के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं उसको कैसे सॉल्व करना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। नोट किया आपने, हाँ देखिए देखिए टॉटोमेरिज्म के लिए फॉर्मूला है एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, नहीं तो बोल देंगे आप एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, वो मैथमेटिक्स में रहेगा, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, एक्स के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन एक्स खुद हाइड्रोजन नहीं होना। सेकंड वाई है इसमें एनी पॉलीवेलेंट एटम, यहां पर देखिए आप पॉलीवेलेंट एटम कौन से यूज करेंगे जिसका वैलेंसी मोर देन वन है, ठीक है ना। देखिए कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एटसेट्रा, और जेड इसमें प्योरली चाहिए कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें से कोई एक, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो लिखा मैंने कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसको हम 100% करेक्ट नहीं कह सकते, कुछ कंपाउंड के लिए है लिमिटेड ये, लेकिन इसको एकदम ट्रांसपेरेंटली 100% करेक्ट नहीं बोल सकते। देखिए अब यहां जो मैं फॉर्मूला लिखा क्या, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, वाई एनी पॉलीवेलेंट एटम एंड जेड कॉन्स कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। देखिए आप अब यहां हम एग्जाम्पल लिखे सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है ना, ये एसीटोन के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन है, कीटोन के एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज कीटो, क्या बोलेंगे आप इसको, कीटो। अब देखिए आप यहां पर टू एंड फ्रो कैसा होगा,
वन टू थर्ड हाइड्रोजन एटम टू एंड फ्रो, है ना, ऑक्सीडेशन में आपको यही बताया टू एंड फ्रो होगा। तो हमने जो कंडीशन लिखे थे क्या, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, मान लीजिए आप इसको एक्स मानो बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स बॉन्ड वाई और डबल बॉन्ड जेड। अब यहां पर टू एंड फ्रो होगा, एक्स का जो मोनोवेलेंट एटम है कहां पर आ जाएंगे, जेड पर, बराबर है। देखिए आप इस तरह सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका आईयूपीएसी ने में प्रो वन इन टू ऑयल, देयरफॉर इसका सफिक्स क्या रहा, इनॉल। तो यहां हम इसको इनॉल बोलते और इसको कीटो बोलते, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे आप इसको, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। देखिए डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ये कीटो और ये इनॉल आइसोमेरिज्म। सेकंड नेम क्या बताया था मैंने आपको इसका, डायनामिक आइसोमेरिज्म। देखिए डायनामिक क्यों बोलेंगे आप इसको, है डायनामिक, ठीक है ना, लेकिन इसमें स्टेबल वाला ये रहेगा, ठीक है। ये 99% ऑप्टेन होता एसीटोन और ये बहुत रेयर अमाउंट में ऑप्टेन होता, मीन्स कितना, 1%, ठीक है। थर्ड डे में आपको इसका क्या बताया, क्या डेस्मोट्रॉफिज्म, डेस्मो का मीनिंग क्या था बोलिए, डेस्मो था यहां पर बॉन्ड और ट्रॉफिज्म था टर्न, मीन्स रियल में हमने यहां पर बॉन्ड को टर्न कर दिए, देखिए आप यहां से इस पोजिशन पर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। देखिए तो इस बेसिस पर यहां पर हम इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर करेक्ट नहीं है। इस कंपाउंड के लिए बोल सकते हैं आप कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है और ये इनॉल है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया आपको ये। और इसके एग्जांपल लेके समझाता आपको, देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच ओ एसिटाल्डिहाइड, है ना, कीजिए आप यहां पर इसका टॉटोमेरिज्म, वन एंड थ्री हाइड्रोजन टू एंड फ्रो टॉटोमेरिज्म, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, यहां का एक एच इधर जम करवा देंगे हम, सी एच टू डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड ओ एच, है ना, इसका नेम है इथेनल और ये है इथीन, उसका ई हटा करके क्या लगा दिया हमने, ओएल इथिनॉल, समझ में आ गया आपको, इथेनल और ये इथिनॉल। तो यहां इसको नहीं बोलेंगे हम कीटो इनॉल, ठीक है ना। देखिए और एग्जांपल आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन एच दैट इज कॉल्ड एस इमाइन, क्या बोलेंगे इसको, इमाइन के एग्जांपल है ये, कीजिए आप यहां पर इसका टॉटोमेरिज्म, है ना, सेम वन एंड थ्री हाइड्रोजन टू एंड फ्रो, देखिए एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, तो एक्स का एच हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, जेड पर, देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड एन एच टू, ये रहेगा इथीन और उसका ई हटा करके हमने अमाइन लगा दिए, इथीन अमाइन, या फिर इसको इन अमाइन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, समझ जैसा इनॉल पड़े ना हमने, इनॉल डबल बॉन्ड, है ना, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ओ एच, यहाँ पर अमाइन, इसलिए क्या बताएंगे इसको, इन अमाइन। तो बोलिए आप इसको बोल सकते हैं कि कीटो इनॉल, नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं आपको बताया कि कीटो इनॉल 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ नाइट्रो इथेन, ठीक है ना, अब इसको आप और बोल सकते हैं हम नाइट्रोफॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोफॉर्म, कीजिए आप इसका टॉटोमेरिज्म, वन एंड थ्री, है ना, वन कॉमा थ्री टू एंड फ्रो, तो x बॉन्ड y डबल बॉन्ड z h हम इधर ट्रांसफर कर दिए, ये तैयार हो गया सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड n बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ, सही है, इसका नेम है आइसो नाइट्रोफॉर्म, है ना, और ऐसी फॉर्म बोल सकते हैं इसको हम। थर्ड नेम है इसका नाइट्रोनिक एसिड, क्या नेम है, नाइट्रोनिक एसिड, और इसको बोल सकते हैं हम सूडो एसिफॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, सूडो एसिफॉर्म। तो बताइए आप
क्या यहां पर हम इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कंसेप्ट समझ आएगा आपको। कीटो ना इनॉल कब बोलेंगे आप? जब कीटो से इनॉल बनेगा तब बोल सकते कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कंसेप्ट समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए और इसका हम टॉटोमेरिज्म करते और दो चार एग्जांपल लिख मैं आपको समझा देता। यहां हम एग्जाम्पल लिखे सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। कर सकते हैं इसका टॉटोमेरिज्म, वन एंड थ्री टू एंड फ्रो, वन कॉमा थ्री टू एंड फ्रो। देखिए आप इधर से भी हो सकता एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, 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 बिल्कुल होगा इसमें टॉटोमेरिज्म। देखिए सी एच थ्री बॉन्ड सी है ना, हमने क्या किया कि यहाँ का एक एच इधर ट्रांसफर कर दिया, डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ये इनॉल और ये कीटो, बराबर है? कोई डाउट है क्या आपको इसमें? अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमिज्म शो कर सकता है और कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना? कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, x बॉन्ड y डबल बॉन्ड z। देखिए आप अब नॉट शो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेन करके समझाता मैं आपको। देखिए हमने क्या किया यहां पर, क्या एग्जांपल नंबर वन लिखे बेंजीन रिंग और सी एच ओ, बेंजीन रिंग सी एच ओ बराबर है। देखिए ये ऐसा है ना सी एच सी एच सी एच बॉन्ड सी सी एच और ये सी एच, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम बताने का है आपको, है ना? देखिए आप एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स यहां से ले सकते हैं एक्स बॉन्ड वाई है ना डबल बॉन्ड जेड, लेकिन यहां पर अगर दो बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता और कौन सा भी मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे क्या स्टेबिलिटी मिलना उसको, बराबर है? अब यहां पर देखिए आप ये एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड है ना, तो यहां पर एक्स तो है ना, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, देखिए एक्स तो बराबर लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन पेड जेड नहीं है, इसलिए इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा बिकॉज एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, ठीक है? सो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, है ना? देखिए ऐसे कंपाउंड जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते मैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं आपको। देखिए लिखिए, हाँ सेकंड एग्जाम्पल लिखिए, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। एक्स के पास में हाइड्रोजन चाहिए लेकिन यहां पर इस एक्स के पास में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसका आयु भी देखो, इसका क्या नेम है इसका बताइए, बेंजाल्डिहाइड है ना, और इसका आयु भी नेम एक दो तीन है ना, सेकंड कार्बन से टू कॉमा टू डायमिथिल, सही, टू कॉमा टू डायमिथिल और प्रोपेनल पी आर ओ पी ए एन ए एल प्रोपेनल। समझ में आ गया आपको टॉपिक? थर्ड देखिए बेंजोफिनॉन, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हमने अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड लगा दिए। देखिए आप एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड
है ना, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर एक्स के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, है ना। इस बेसिस पर बेंजोफिनोन ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या नेम है इसका? बेंजोफिनोन। कंसेप्ट समझ आएगा आपको, ठीक है ना। ये पॉज करके नोट कर लो और एग्जांपल देखिए जो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। इसका आईयूपीएसी नेम है, देखिए है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 2, 2, 6, 6 है ना, टेट्रामिथिल, 2, 2, 6, 6 टेट्रामिथिल साइक्लो हेक्सेन है ना, और हेक्सेनॉन है ना, फर्स्ट कीटोनिक ग्रुप से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से कीटोनिक ग्रुप अटैच है, देखिए आप आईयूपीएसी नेम करेक्ट है इसका, 2, 2, 6, 6 टेट्रा मिथिल साइक्लोहेक्सेन, उसका ई हटा करके हमने ONE लगा दिए, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए क्या, चलिए ना नॉमेनक्लेचर तो हो गया इसका। हाँ देखिए आप क्या, यहां पर हमने इसको X माने बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड Z, लेकिन ये X जो कार्बन है इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर दिस कंपाउंड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, इसलिए ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको पक्का? देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन है क्या, नाइट्रो इथेन शो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें ए रहेगा चेन आइसोमेरिज्म, बी है पोजिशन आइसोमेरिज्म, सी है मेटामर और डी है टॉटोमर, ठीक है ना। मींस देखिए आप क्या, नाइट्रो इथेन ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म बताता है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नाइट्रो नाइट्रो इथेन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, सही है, ये है नाइट्रो इथेन है ना। चेन तो नहीं बता सकता ये, है ना, पोजीशन भी नहीं बताया गया यहां पर, मेटामर मेटामर भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्या था इसका डेफिनेशन, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शन ग्रुप बट डिफरेंट साइज ऑफ अल्किल ग्रुप आर अटैच्ड टू द पॉलीवेलेंट एटम आर कॉल्ड एज मेटामर एंड दिस फेनोमेनन आर नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक है ना। अब यहां पर ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, 100% श्योर आंसर है इसका, देखिए आप, क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट क्या था, एक्स बॉन्ड वाई, देखिए एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, ये एक्स बराबर बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, देखिए आप इसका टॉटोमेरिज्म टू एंड फ्रो कैसा हो रहा, क्या हमने लिखी एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH बॉन्ड O, आगे आपको कंसेप्ट समझ में है, इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, इसमें डाउट है आपको? हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब प्रैक्टिकली ये देखा गया क्या, 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें कीटो ये ज्यादा स्टेबल रहता एज कंपेयर टू इनॉल, क्या बोला मैंने आपको, कीटो इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, है ना, स्टेबिलिटी, देखिए आप स्टेबिलिटी ऑफ कीटो कितनी है, 90% एज कंपेयर टू इनॉल, है ना, 90% केसेस में कीटो ये ज्यादा स्टेबल रहता इनॉल से, बराबर है। तो देखिए आप
कुछ एग्जांपल समझाता मैं आपको। जैसे हमने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखे इस तरह, ये देखिए ये कीटो है और यहां हम इसका टॉटोमेरिज्म के डायनेमिक रहता नहीं, टॉटोमेरिज्म किए हमने, ये बॉन्ड OH सही है, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। लेकिन यहां पर ये तो इनॉन तैयार हो गया, चलो ठीक है, कॉन्जुगेशन वाला, चलो ये भी मान लिया हमने। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हैं चार पाई इलेक्ट्रॉन। अब चार पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के बेसिस पर ये क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक, क्या रहेगा एंटी एरोमेटिक बराबर, और ये क्या था नॉन एरोमेटिक। अब इस बेसिस पर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि कीटो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनॉल, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ देखिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला रहेगा कंपाउंड, एरोमेटिक, बाद में फिर एंटी एरोमेटिक, सॉरी एंटी लिख दिया हमने यहां पर, नॉन है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा एंटी एरोमेटिक, कौन सा वाला रहेगा एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी। अब इस स्टेबिलिटी की बेसिस पर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम नॉन एरोमेटिक और सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर ये एंटी एरोमेटिक था और ये नॉन एरोमेटिक, इस बेसिस पर मैंने कीटो को ज्यादा स्टेबल बताया एज कंपेयर टू इनॉल। ऐसे बहुत सारे केसेस है, देखिए आप सेकंड केस में भी कि हमने यहां पर एक बेंजीनिंग लगा ली है डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए आप, बेंजीनिंग बॉन्ड ओ एच और ये है ना, यहां हमने इसका टॉटोमेरिज्म किए, ये क्या रहेगा कीटो और ये है इनॉल, सही है ना, कीटो और इनॉल। लेकिन थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए इसमें कि यहां पर देखिए, देखो कंजुगेशन पूरे रिंग में मेरा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई है ना, लेकिन इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने 8, और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये कंपाउंड रहेगा एंटी एरोमेटिक और ये कंपाउंड था एरोमेटिक, इस बेसिस पर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहता, मोर स्टेबल, याद रखेंगे आप मोर स्टेबल है ना, और ये भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक वाला मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस इनॉल, और ये कीटो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस इनॉल, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप सोच रहे कि जो 90% केसेस बताया था ठीक है, लेकिन 10% केसेस ऐसे है कि जहां पर इनॉल ज्यादा स्टेबल रहता एज कंपेयर टू किससे बोलो कीटो से, बराबर है। तो देखिए आप स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ये पॉज करके नोट कर लो आप, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, बाद में उसके मैं आपको ऑर्डर भी समझाता, इनॉल कब स्टेबल रहेगा, इसकी पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड शुड बी, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, अगर कंपाउंड एरोमेटिक रहा तो उस वक्त इनॉल ये ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू कीटो, ये पहला कंसेप्ट याद रखना। सेकंड, ये डिपेंड है हाइड्रोजन बॉन्ड पर, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में तैयार होगा, फोन में, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच हो तो उस वक्त हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, अदर एटम पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, और इस तरह चार्ज आता, देखिए आप HF, ये आगे लेक्चर किसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर चार्ज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हुआ दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नहीं है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा है कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार हुआ, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फोन से अटैच हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो,
उस वक्त हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और अदर एटम पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आप इनॉल कब स्टेबल रहेगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट ये बताया कि कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, यहाँ पर कंपाउंड चाहिए हमारे को एरोमेटिक। सेकंड ये है कि कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। थर्ड ये है कि कॉन्जुगेटेड बट नॉट साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड बट नॉट साइक्लिक, कॉन्जुगेशन चाहिए लेकिन साइक्लिक नहीं होना। और लास्ट पॉइंट ये है इसका, देखिए क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की इफेक्ट पर भी इसका इफेक्ट के कारण भी इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर का एक्शन करेंगे हम सीवाद में इथिल अल्कोहल C5OH एसिटिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देखिए अभी कंसेप्ट समझा देता मैं आपको, ये है क्या रियल। हाँ, कि कौन से कंपाउंड है जहां पर इनॉल ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू कीटो, ये है देखिए आप कीटो और ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहां करेंगे हम इसका टॉटोमेरिज्म, ठीक है। जब आप इसका टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये इस तरह से बॉन्ड तैयार कर देगा, बॉन्ड 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 ओ एच, क्या तैयार है इसमें फिनॉल, है ना, दैट इज इनॉल, दिख रहा आपको लास्ट में इनॉल। और ये ऑप्टेन होता 99.8% और ये ऑप्टेन होगा 0.2%। इस बेसिस पर देखिए आप, हाँ कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, है एरोमेटिक कंपाउंड और ये क्या था नॉन एरोमेटिक। वी नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर सकता फिनॉल, मतलब जितने रीजन हमारे को चाहिए तो उसमें मैक्सिमम रीजन है इनॉल के पास। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इनॉल ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो। सेकंड एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये है कीटो। अब यहां हमने इसका टॉटोमेरिज्म किए, देखिए यहां पर कहते ना एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, यहां से एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, इधर से एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, तीनों साइड से तीनों जगह से मैंने इसका टॉटोमेरिज्म करवाया, ठीक है ना। तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पर, सही है ना, बिल्कुल। बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ एच। तो देखिए आप, ये था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तैयार करेगा। इस बेसिस पर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहता है, मोर स्टेबल, है ना, और ये रहेगा लीस स्टेबल, है ना। ये सारे जितने हमने लिखे ये भी और ये मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है, परसेंटेज तो नहीं बता सकते इसका, है ना, स्टेबिलिटी बता देगी, मोर स्टेबल। समझ में आ गया आपको, भले यहाँ पर फिनॉल जो है 99.8% ऑप्टेन होगा और ये जो कीटो है ये कितना 0.2% ऑप्टेन होगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, मैंने यहाँ पर कीटो लिखा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कीजिए आप इसका टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड, बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ एच, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मोर स्टेबल, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होने के कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी इसका, ठीक है। समझ में आया कौन से केसेस में इनॉल ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू कीटो, ठीक है। हाँ, पॉज करके आप ये नोट कर लो और उसके बाद में हेडिंग डालो आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलाइजेशन, इनॉल तैयार कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये जो मैं आपको ऑर्डर याद करवा रहा है इसको एज इट इज आप परफेक्ट लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। देखिए
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनोलाइजेशन, ठीक है ना। सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री बराबर, फिर से थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, सी डबल ओ सी टू एच फाइव, फिर हाँ सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू, ठीक है, सी डबल ओ सी सिक्स एच फाइव, फिर स्टेबिलिटी देख लीजिए, देखिए आप सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ बॉन्ड सी एच टू और सी एच ओ वन टू थ्री फोर, ठीक है ना, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, ठीक है। नेक्स्ट सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नेक्स्ट डबल बॉन्ड ओ और लास्ट देखिए आप सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ सी सिक्स एच फाइव। पहले आप इसको परफेक्ट लर्न कर लो, 10 times लिख के देख लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से, देखिए कि किसका इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल रहना, ये लास्ट वाला। मैं आपको इसके इनॉल बनाना भी समझा था, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते एग्जाम में वो समझा था, ठीक है, लेकिन पहले आप इसको लर्न कर लेना। देखिए सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, सेकंड है सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी डबल ओ सी एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी डबल ओ सी सिक्स एच फाइव, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, ठीक है। फिर ये कीटो सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी एच सी ओ और सी सिक्स एच फाइव, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग, है ना, मोर स्टेबल इन ऑल, ये क्वेश्चन हो सकता, या फिर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इन ऑल, ये क्वेश्चन हो सकता। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, मोर स्टेबल इन ऑल, ऐसा हो सकता, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, पूछे जा चुके हैं बताता, और अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, कौन से वाला इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैं आपको दो पॉइंट समझा रहे थे कि इनॉल कैसे बनाना, वो भी समझ लीजिए आप। देखिए मैंने यहां पर ए ऑप्शन लिखा सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिक्स एच फाइव। बी ऑप्शन लिखे हमने यहां पर ये कीटो बड़ा फेमस, ठीक है, डबल बॉन्ड को। सी ऑप्शन हमने यहां पर कैसा लिखे, देखिए आप सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच ओ और डी ऑप्शन लिखे हमने, देखिए आप क्या सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है। मान लीजिए आप एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आया, लेकिन पहले आपको इसका इनॉल बनाना है, बाद में आपके पहचानने के कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला इनॉल रहेगा। देखिए हम एक काम करते हैं, इसका टोटमिज्म करेंगे टू एन फ्रो, ऐसा इनॉल हो जाएगा सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव, इसका इनॉल बनाइए बेंजीन रिंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना,
बिटवीन कार्बन एटम। यहाँ पर हम इसका इनॉल यहाँ से बना सकते हैं, इधर से ऐसा, इधर से। इसके लिए भी इसी कंडीशन थी, मैं डायरेक्ट बना के बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, और देखिए आप इसका इनॉल कैसे बनाएंगे, यहाँ से बना सकते हैं आप, इधर से बना सकते हैं, इधर से ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड, ठीक है, सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, बराबर है। अब इसका इनॉल देख लीजिए आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच, मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ का एक एच इधर ट्रांसफर कर दिया, डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। अब देखिए आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आया, और ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन से वाला रहेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना सी सिक्स एच फाइव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट डिक्रीज द that increase the conjugation, क्या increase करेगा ये conjugation, बराबर। C6H5 ये electron withdrawing group है जो conjugation increase करेगा। तो इस basis पर मैं तो आपको answer बता दे, अगर आप order याद कर ले तो भी आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा stable क्यों है ये हमारे लिए important है, देखिए, है ना, oxygen पर lone pair electron पर जाने, लोन पेयर सिग्मा पाए पाए सिग्मा पाए, पूरा जबरदस्त कॉन्जुगेशन मिल रहा, और ये दोनों साइड से क्या करें, फिनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे, बराबर। इस बेसिस पर हमने क्या बोले कि ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, किसका इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। एक ये इनॉल था, सेकंड वाला ये इनॉल है, ये एरोमेटिक है ना, थर्ड ये है और लास्ट ये है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए वाला हो जाएगा। बाद में फिर ये एरोमेटिक रहने की वजह से इनमें तीनों में ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, है ना, इनॉल बी। अब कॉम्बिनेशन किस में है समझ लो, इसमें और इसमें, बराबर। अब इसमें गौर कीजिए आप, क्या यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, बराबर। तो इसमें क्या होगा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करेगा, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा, बराबर है। सेकंड पॉइंट ये है, क्या इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जाना, पाए लोन पेयर सिग्मा पाए पाए सिग्मा पाए, सेम कंडीशन, लोन पेयर सिग्मा पाए पाए सिग्मा पाए, लेकिन यहां पर ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, बराबर है। और यहां पर ये मिथिल ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। इस बेसिस पर डी वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा और सबसे कम स्टेबल रहेगा सी, ठीक है ना। समझ में आ गया कि टॉपिक कैसे है, तो इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ ये पॉज करके आप नोट कर लो, पहले आप इसको अच्छा परफेक्ट याद कर लेना, ठीक है ना। सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी डबल ओ सी एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी डबल ओ सी सिक्स एच फाइव, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच टू, है ना, सी ओ सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, कीटो सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ और सी सिक्स एच फाइव, ठीक है। ये पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्पिटिटिव में मैं क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आईआईटी में पूछे हैं, नीट में क्वेश्चन जो जिस टाइप से पूछे हुए हैं, मैं बहुत कोशिश किया उसको निकाल के लेके आने की। देख लीजिए आप, पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज देख के लिख लेता हूँ, बाद में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन एज इट इज जो है तो सीबीएसई सीबीएसई 1907 में
1997 में पूछा था, है ना, टॉटोमिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, है ना, ए ऑप्शन सी एच थ्री बाय थ्री सी एन ओ, बी है इसमें, मैं क्वेश्चन ऐसे चीज देख के लिख रहा, पहले आप पॉज करके नोट कर लेना इसको एक साथ, सी एच थ्री बाय टू एन एच, सी है इसमें आर थ्री सी एन ओ टू, और डी है आर बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड एन ओ टू। ये क्वेश्चन थे एग्जाम में, समझ लीजिए पहले आप क्या टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। अब टॉटोमिज्म के लिए कंडीशन क्या बताया था मैंने आपको, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, ये इसका करेक्ट आंसर। ये मैं पहले सॉल्व भी करवाया आपको, लेकिन फील करवा रहा था कि एग्जाम में पूछा हुआ है ये। देखिए आर बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ, है ना, ये ऐसा टॉटोमिज्म शो करेगा, वन थ्री टू एन फ्रो, आर बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ, समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और एक थोड़ा सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है, टॉटोमिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, है ना, सेम क्वेश्चन है ना, और ये था आईआईटी 1998 का क्वेश्चन है, है ना, मैं आपको पूरे ऑप्शन दिखा के दे रहा, देख लीजिए आप, ये फर्स्ट ए ऑप्शन है सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड ओ एच, बी ऑप्शन है इसमें बेंजो किनोन, सी ऑप्शन है देख लो आप, ये डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ये, और डी ऑप्शन है ये क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करवा दिया था, लेकिन आपको ये बताया था कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखिए उसमें मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, है ना, मोर देन वन ऑप्शन रहते हैं जिसके करेक्ट मल्टीपल करेक्ट आंसर। देखिए अब इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना, हाँ तो फर्स्ट वाला करेगा बिल्कुल 100%। देख लीजिए आप, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड फर्स्ट करेगा, ए भी करेक्ट आंसर है। बी ये वाला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पर बहुत कम स्ट्रेन लगेंगे इसके लिए, देख लीजिए आप, है ना, मान लो यहां से टॉटोमिज्म शो करेगा इस तरह, तो दो डबल बॉन्ड एक जगह आने पर इसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, इस बेसिस पर ये शो नहीं करेगा, ये करेगा बिल्कुल हाँ, है ना, एक्स एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड यहां पर ओ एच हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, और इधर देख लीजिए आप, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड ये ओ एच यहां पर डबल बॉन्ड इधर, मतलब क्या बना देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसके लिए देख लीजिए आप, मतलब सी भी करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल करेगा, ये मैं पहले सॉल्व करवाया आपको, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, तो इसका आंसर था ए सी डी। ये क्वेश्चन पूछा था आईआईटी 1998 में, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एज इट इज देख के लिखना पड़ा क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, हालांकि हमने खुद क्वेश्चन बना लिए, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कीटो और इनॉम, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन आप देख के लिख लीजिए, फिर बाद में और दो तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के टॉपिक को एंड करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है, हाँ ये आईआईटी है ना 1998 का क्वेश्चन है, कीटो इनॉल क्वेश्चन है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन लिखिए, इसमें यहां पर सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी एच ओ,
बी है सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच थ्री, सी है सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी सिक्स एच फाइव और डी है सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एच टू सी ओ और सी एच थ्री, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी लिख लेते हैं हम जो, हाँ सेकंड लास्ट इसके बाद में और है, ए आई ट्रिपल ई पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ए आई ट्रिपल ई है ना 2011 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ए है इसमें लैक्टिक एसिड, बी है पेंटेन 2-1, सी है फिनॉल और डी है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। देखिए अब ये आईआईटी में क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल पूछा था कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है ना, कीटो इनॉल बोले तो टॉटोमेरिज्म को हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं बराबर, इज ऑब्जर्व इन, तो यहां पर तो ये टॉटोमर शो नहीं करेंगे क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड है, जहां पर X है और X के पास में हाइड्रोजन अपसेट है, ये शो करेगा बिल्कुल। देखिए ये ऐसा है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये बेंजोफिनॉल है, शो नहीं करेगा, ये वाला करेगा है ना। देखिए आप इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया मैंने आपको, जस्ट बेंजीन रिंग है ना, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है ना, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, कीटो इनॉल बताएगा ना बिल्कुल। तो इसका आंसर रहेगा बी एंड डी, मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं इसमें बराबर। नेक्स्ट है ना, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट है ना टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो टॉटोमेरिज्म बताएगा। अब टॉटोमेरिज्म बताने का मकसद उसका यह है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ना, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होना। फिनॉल का कीटो बनता लेकिन फिनॉल 99.8% ऑक्टेन होता है ना, और सेकंड वाला मॉलिक्यूल बहुत लीस्ट स्टेबल है। लेकिन ये देखिए आप पेंटेन 2-1 सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री है ना, एक्स बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म है ना। इस तरह क्या हो जाएगा बोलिए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, समझ में आया कौन सा कंपाउंड शो करेगा कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। देखिए और कुछ कॉम्पिटेटिव में जो क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको सॉल्व करवा देता, समझ में आ गया ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सर मैं क्वेश्चन देख के इसलिए लिखना पड़ता क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, हालांकि इस पर हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन ऐसे जगह अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो फीलिंग थोड़ा डिफरेंट रहता। देखिए एक क्वेश्चन ये है, हाँ ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमेरिक कंपाउंड, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना ऑफ टॉटोमेरिक कंपाउंड, यहां लिखा लिखे हमने सी एच टू डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ये फर्स्ट, सेकंड देखिए आप सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ये सेकंड, और थर्ड वाला है सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ये थर्ड। अब देखिए इसमें आपके बताने के सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला रहेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला रहेगा,
कीटो, सेकंड वाला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको कंप्लीट, हाँ यहां पर कंप्लीट देखना है, इसका और इसका बराबर। ये तो कीटो है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बताया कि 90% केसेस में कीटो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू इनॉल, ठीक है। अब ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन से वाला रहेगा? तो थर्ड वाला क्यों रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। और सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा फर्स्ट, क्यों? यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये क्या करें, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, जबरदस्त कॉन्जुगेशन मिल रहा। और इधर से भी लोन पेयर है ना, सिग्मा सिग्मा आ जा रहा, मतलब इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जा रहा इस बेसिस पर, बराबर है, सही है ना। यहां से इधर देखिए आप, ये क्या करें, कॉन्जुगेशन को कम कर दे रहा, और इधर से इसको सुपर जबरदस्त कॉन्जुगेशन मिल जा रहा। इस बेसिस पर थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आप, द फॉलोइंग मोर स्टेबल इनॉल, देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसके इनॉल बनाना वो भी समझाता, और क्वेश्चन किस स्टेप से आएगा और कौन से वाला स्टेबल रहेगा वो बताता। अभी हमने सॉल्व किए क्वेश्चन के ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके इनॉल आप कैसे बना सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट इनॉल बना रहे आप इसका CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड C, अच्छा थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, इधर देखिए इसका फर्स्ट इनॉल बनाया हमने CH2 बॉन्ड C डबल, हाँ CH2 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 फर्स्ट इनॉल। सेकंड इनॉल आप इसका कैसा बना सकते हैं, ऐसा देखिए CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। थर्ड इनॉल आप इसका ऐसा बना सकते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ठीक है। और लास्ट इनॉल और कैसे बना सकते हैं आप, देखिए देखिए CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C है ना बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। अब क्वेश्चन आपसे यह है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन सा रहेगा, सारे इनॉल तो बन गए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो रिजेक्ट ये वाला हो गया है ना, दो पाई बॉन्ड एक साथ में आ गए, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर इसको कोई खास इधर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा, ये रिजेक्ट हो गए। डिसाइड करना है आपको यहां से और यहां से, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन इधर से इसको इतना सुपर नहीं मिल रहा, यहां से देखो आप ये लोन पेयर है ना, सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, यहां से कॉन्जुगेशन बहुत सुपर मिल रहा। इस बेसिस पर सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला इनॉल रहेगा। ऐसे आपको चार ऑप्शन दे दिया, पहले कीटो देगा है ना, फिर इसके इनॉल, ये ऑप्शन भी दिए रहेंगे है ना, मैंने बना के बताया आपको इनॉल, और ये बताना पड़ेगा आपको कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला इनॉल है, ठीक है ना। ये देखिए आप इसके इनॉल बनाते हैं, बेंजीन रिंग बॉन्ड सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। सेकंड है इसमें बेंजीन रिंग बॉन्ड सी ओ एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है ना बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी एच थ्री, सेम क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए पहले एक एच इधर ट्रांसफर कर दिया है ना, ये ओ एच डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एच इट इज बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। हमने क्या किया, दोनों एच को इधर ट्रांसफर कर दिया होगा टॉटोमेरिज्म। सी देखिए आप एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा बना लेते हैं, बेंजीन रिंग बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और डी देखिए बेंजीन रिंग
बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच है ना, डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी एच थी, क्या किया हमने कुछ नहीं, पर यहाँ पे एक सीधा ट्रांसफर कर दिए बराबर है। कितने टोटल बार बनाएंगे, चार, एक दो तीन। अब क्वेश्चन ये आपसे कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला इनॉल्ड है, इनॉल्ड तो सभी है ना। जैसे यहाँ पर मैंने इसको इसलिए माना था क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रही थी, बाद में ये जो मिथिल ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था जो कॉन्जुगेशन को कम कर रहा था बराबर है। यहाँ पर देखिए आप क्या ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन बराबर नहीं मिल रहा, ये रिजेक्ट, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन सुपर नहीं, रिजेक्ट। अब फैसला आपको डिसाइड आपको ए और डी में से करना है, ठीक है ना, किस में से, ए और डी में से, ठीक है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर है लोन पेयर सिग्मा पाई, अब ये जो बेंजीन रिंग है ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दैट इंक्रीज द कॉन्जुगेशन, क्या बढ़ाएंगे कॉन्जुगेशन, यहाँ से भी बढ़ाएगा लेकिन जब इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्जुगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मोर इंक्रीज करेगा और मोर इंक्रीज करने की बेसिस पर है ना इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा मीन्स क्या रहेगा, इनॉल ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एक रीजन ये है। सेकंड ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी तैयार हो रहा था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, किससे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दैट इंक्रीज द कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक था टॉटोमेरिज्म। अब मैं आइसोमेरिज्म का एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड वाला, कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्या डिफरेंस है सिस ट्रांस और इजेड नोमेनक्लेचर में। इसके बाद पढ़ेंगे हम सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, बाय।